मेरी 6 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, वो स्कूल में भी जाती है, अभी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगी। तो मेरा कंसर्न ये है कि वो जो ओबीडियंट बिहेवियर जो होना चाहिए बच्चों का, या फिर जो पेरेंट्स का सुनना चाहिए प्रॉम्प्टली या इमीडिएटली, हाँ। वो इतना सुनती नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपने अपने मम्मी डैडी का सुना है कभी? फ्रैंकली स्पीकिंग, एज आई रिमेम्बर, जब नॉट आप मच, मतलब हाँ, फ्रैंकली जितना भी आपको याद है, फ्रैंकली हर चीज आपने मम्मी डैडी का सुना है। अरे, हर चीज नहीं सुना, हर चीज नहीं हर सुना चीज नहीं, कुछ नहीं सुना, फ्रैंक। कुछ नहीं सुना। हम देखो, हम खुद नहीं सुनते मम्मी डैडी का, फिर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे मेरा सुनना है। ये कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका उनका नेचर ये है। ये नहीं, उनका नेचर नहीं, आपका भी नेचर ये है। हमारा सब ह्यूमन बीइंग का नेचर है, नेचर स्वभाव है ब्रेकिंग द रूल या रिबेल करना। रिबेल करना आपका नेचर है, आपके मम्मी डैडी का नेचर है, आपका बच्चे का नेचर है, सबका स्वभाव ये है। तो ये रिबेलियन में, ये रिबेलियन क्यों, फिर पूछते हैं, सोच में आता है कि ये रिबेलियन क्यों है, ये स्वभाव क्यों है। ये स्वभाव इसीलिए कि रिबेलियन में ही फ्रीडम है। ओके, आप 100%। मोक्ष में आए थे, अभी शरीर में आपने चूज किया कि मैं ये शरीर लेने वाला हूं क्योंकि मुझे कुछ अनुभव चाहिए, और ये अनुभव आपको ये अपना जीवन में मिल रहा है, और ये अनुभव से आपको, आपने चूज किया है तो आपको अनुभव मिल रहा है। आप मोक्ष में थे, फ्रीडम में थे, एनर्जी वर्ल्ड में थे, आपने शरीर लिया ताकि आपको ये अनुभव आ जाए। क्या अनुभव? जो भी अनुभव जो आपने पहले किया है, वो अनुभव आने का। और क्योंकि आपका स्वभाव फ्रीडम है, तो कोई भी कुछ बोलता है, माँ मम्मी डैडी हो या कोई भी हो, वो आपका फ्रीडम है और वो आपको बताएंगे और हम आप उनको रिबेल करेंगे। अभी खेल किधर है? ओके, खेल किधर है? विजल सुनिए, खेल ये है कि मैं मेरे बच्चे से वो चीज करवाना चाहता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे समझ में है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरी बात सुने ताकि वो अच्छा, सो कॉल अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में वो करेगा तो वो अच्छा होगा। तो खेल ये है कि मैं चाहता हूं वो करे, और वो कैसा मैं उनसे करवाता हूं वो खेल। हमारा खेल क्या है? हमारा खेल ये है कि हम बच्चों से वो चीज करवाए जो हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि वो सही है और वो अच्छा है उनके भलाई के लिए। वो नहीं सुन